हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाऊंगी कालाकंद। तो मैंने इसके लिए ली हूँ 2 लीटर दूध, जिसमें 1/2 लीटर अलग मैं ले रही हूँ और 1.5 लीटर है जो कि इस टब में डाल रही हूँ। 1/2 लीटर दूध को धीरे धीरे करके सुखाना है और 1.5 लीटर दूध को छेना बनाना है। तो छेना बनाने के लिए दूध को फाड़ना है, तो इसलिए 1 से 2 नींबू लगेगा। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है और जैसे ही दूध में उबाल आता है उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ा थोड़ा इस नींबू वाले पानी को डालना है ताकि आपका दूध फट जाए। तो धीरे धीरे करके पूरी दूध फट जाता है, आप देख सकते हैं। ये कालाकंद देखने में जितना ही मुश्किल लगता है उतना ही बनाने में आसान है। तो ये फट गया है तो इसे फटाफट से इसे छान लेना है। छानने के बाद इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, इसके पूरे पानी को निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छेना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। बहुत ही बढ़िया छेना बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पे दूध भी आधा सूख गया है। अब इसमें ऐड करना है 1 कप चीनी और थोड़ी सी इलायची। बस हो गया, बस इतना ही सामग्री लगेगा, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं लगने वाला है। यहाँ पर दूध भी सूख गया है तो इसमें ऐड करना है थोड़ा थोड़ा सा फटा हुआ छेना जो कि मैं बनाई थी। एक बार में डालेंगे तो ये लम्स बन सकता है, तो इसे धीरे धीरे डालना है, इसकी लम्स ना रह जाए। तो धीरे धीरे डालकर मैं अच्छे से मिला ली हूँ। देखिए, फिर अच्छे से इसे चला लेना है। चलाने के बाद आपका जो कालाकंद है वो रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना इजी कालाकंद है बनाना। उसके बाद कोई भी कंटेनर लेना है और उसमें ऑयल लगा लेना है और इसमें निकाल लेना है ताकि चिपके नहीं। यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ और अच्छे से टैप करके देख सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना, उसके बाद इसे आप खा सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीस में निकाल ली हूँ कालाकंद की साइज में। आप देख सकते हैं वो बहुत बढ़िया ही बनकर रेडी हुआ है। तो आप एक बार इस रक्षाबंधन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से एक दूसरी मिठाई देख लेते हैं। तो सेकंड मिठाई मैं बनाई हूँ रसगुल्ला, जो कि बहुत ही ईजी बनाना है। तो इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध का यूज किया हूँ, फुल फैट वाली दूध लेना है। उसके बाद इसे भी फाड़ लेना है। मैं यहाँ पे छेना के पानी से ही इसे फाड़ी हूँ। अगर आपके पास भी छेना फाड़ते हैं तो पानी को रख दीजिए दोबारा यूज करने के लिए। उसके बाद इसे छान ली हूँ। छानने के बाद सेम प्रोसेस वही रहेगा, इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि कोई भी खटापन ना हो नींबू वाला। तो यहाँ पे छेना रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट छेना बना है। यहाँ पे अच्छे से वॉश मैं कर ली हूँ और इसका निचोड़ कर अच्छे से फिर से पानी निकाल लेना है। फ्रेंड्स, ये जो मिठाइयाँ हैं ना बहुत ही ईजी है बनाना। यहाँ पे निचोड़ कर मैं पानी निकाल रही हूँ। सिरा बनाने के लिए 2 कप चीनी लेना है और 3 कप पानी लेना है। उसके बाद इसे एक उबाल आने तक इसे बॉयल करना है। इसमें ऐड करना है 2 इलायची जो कि हरी वाली है और यहाँ पर मैं छेना ले ली हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे हथेली से मिक्स करना है और इसे थोड़ी थोड़ी करके दम एक एक करके इसे मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्ब न रह जाए। लम्ब रह जाएगा तो ये जो छेना बनकर रेडी होगा ना वो फट भी सकता है। तो अगर अच्छा रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। इसे 3 से 4 बार इसे अच्छे से आपको मिलाना होगा तो बस इजली रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं छेना को फाइनली अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी पुलियाँ बना लेती हूँ। जैसे कि मार्केट वाला साइज होता है रसगुल्ला का, बस उसी साइज को आपको छोटी छोटी गोलियाँ बना लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मैंने जो चीनी और पानी ऐड किए थे गैस पे वो बॉयल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे चीनी पानी का घोल भी रेडी हो गया है। तो इसमें जो गोलियाँ हैं छोटी छोटी उसे वो एक एक करके डाल देंगे। गोलियों को यहाँ पे 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकाना है। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गया है और पक भी गया है। तो थोड़ा सा इसे चला लेना है और अगेन इसे ढककर 5 से 7 मिनट पकाना है।
तो यहाँ पे हमारा रसगुल्ला है बनकर तैयार हो गया है। कितना ईजी है रसगुल्ला को बनाना, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रक्षाबंधन के अवसर पर, और अपना एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। टेक केयर, बाय।